किसे है? मर जान दे। कितने लाड कर रहा है उन्हीं के, देख तू इसका प्यार देख देख ये देख। हाँ, मर जान दे। ये तो नहीं बनना, अच्छा डबरा भी बनना कमारा भाई, पूरा मोह करा आ गया। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का समय है और यहाँ बजा रखे थे मेरे भैया ने गाने और ये कर रहा था डांस, तो मैं इसका बनियान पकड़ के खींची थी। मैं करती कि रुक ये वाला गाना बजा और ये नहीं, और कायरो भी बहुत नाच रहा था। जब बंद हो जा जब ही कहता है मम्मी और चलाओ और चलाओ। मामा भांजे की मस्ती चल रही है। अवनी का जो है स्कूल से आ चुकी थी और जैसे कि कल नया दिन है तो ये नए दिन से एक दिन पहले की वीडियो है मेरी। तो अवनी जो है आके अपना चेंज वगैरह करके अपने मामा के साथ खेल रही थी और यहाँ मैं नल पर लगी हुई थी। ये नल में एक दिक्कत हो रही है, वाल भी डाल दी सारी बात, मतलब 10 मिनट नहीं होगी तो मैं नल का चढ़ाए हुए फिर उतर जाएगा। बार बार नल उतर रहा है, बहुत परेशान करके रख दिए। बार बार इसको चढ़ाना पड़ता है, पानी भर के रखना पड़ता है वरना फिर थोड़ी देर बाद फिर उतर जाएगा, फिर चढ़ाना बहुत दिक्कत कर रहा है। नीचे एक वाल गिरती है, उस दिन आप लोगों ने देखी थी वीडियो में, वो भी डाल दिया। यहाँ मैंने एक बाल्टी पानी भरा है, मेरे को नहाने के लिए लगाना है एक बाल्टी गर्म पानी। जी हाँ, मुझे नहाना है, अपने नहाने के लिए मैंने पानी गर्म लगा दिया है। और भाई जो है आज ड्यूटी नहीं गया। कुछ कमेंट्स मुझे इस तरह के आ रहे थे कि ये तो अपने भाई से ड्यूटी करवाएगी और इसे तो उसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों रख रही है, उसके घर बार नहीं है क्या। इन सब चीज़ों के सवाल मैं आप लोगों को जरूर, सवालों के सॉरी जवाब जल्दी ही दूंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है आप इस तरह के सवाल करते हो। बात ये सवाल बुरा मानने वाली बात नहीं है इस बात को लेकर कि ये तो इससे ड्यूटी करा रही है, इसे अपने पास रख रही है, क्यों रख रही है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगी। आप ये मत सोचे कि मैं क्यों नहीं इन बातों का जवाब देना चाहती, दूंगी ज़रूर दूंगी। और इस पर कोई रिएक्ट वीडियो नहीं आएगी, बेफिक्र रहो, पर नॉर्मली मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में ज़रूर इस बारे में बताऊंगी क्योंकि ये सवाल मेरे को भी खटकते हैं। और रही इसकी जॉब, उनको जॉब कराती है, जॉब नहीं कर रहा, वो कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, जो सीख रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अब इसकी उम्र हो गई है पढ़ाई के साथ साथ काम सीखने की, काम करने की। जब है ना बचपन से ही हम बच्चे को किसी चीज़ में या फिर बड़ा, जैसे अभी इसकी अवस्था है, ऐसी अवस्था में ये चीज़ें सीखेगा करेगा तो अभी तो इसे दुनियादारी का ज्ञान होगा और अभी ये खेल कूद में और इधर उधर की चीज़ों में निकाल देगा, तो फिर कभी से ज्ञान होगा काम करने का, कभी से लहजा तरीका होगा हर चीज़ का। तो वही थोड़ा सा मैटर है और आप लोगों को मैं बताऊंगी क्यों ये मेरे पास रह रहा है, क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में सारी बात आप लोगों के सामने मैं रखूंगी। फिलहाल ये मैंने झाड़ू लगाई, सारा कूड़ा बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ना एक जूता अवनी का उधर पड़ा था, एक यहाँ पड़ा, बच्चों का यही था, एक जूता कहीं तो एक जूता कहीं, दोनों जूते उठाऊंगी, सैंडल वगैरह उठाऊंगी। मैं लगा रही थी झाड़ू, जी हाँ झाड़ू लगा रही हूँ, बरामदे में लगाने। बरामदे में बहुत बुरा हाल हो रहा है, कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप बरामदे में गोबर लीप लो। हाँ इसको भी लीपूंगी पर अभी सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा काम घर के ही बहुत होते हैं, दिन छोटा होता है, अब तो दिन सरकने स्टार्ट हो जाएंगे और जिस दिन भी अच्छी सी कैडी सी धूप निकलेगी जस्ट उसी दिन मैं है ना यहाँ बरामदे में गोबर फेर दूंगी। फिलहाल तो मैं ये सारे सामान संगवाती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगी झाड़ू बरामदे में। रूम में निकाल ली, पहले मैं रूम से निकाल के लाती हूँ फिर बरामदे में फिर गैलरी में। बाहर भी देख रहे हो बच्चों ने पूरा हड़दंग मचा रखा है, पूरे घर का यही हाल बना के रखते हैं। सच में है ना, इतना ज़्यादा काम ना हो या ना हो बच्चे बहुत फैलाते हैं और जहाँ छोटे बच्चे हों वहाँ तो फैलता ही है। कायरव तो पता नहीं इधर से उधर, और जो ना कितने कपड़े दिन में वो निकालता है, ये रावनी का एक जूता वहाँ से उठा के लाइए कीरा, एक अंबर में है एक पाताल में है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा के रखती है। आ चुकी हूँ रूम में और यहाँ मुझे थोड़ा सा काम करना है, ये मैंने बाकी का सब कर लिया, गाना बजा रही थी मैं, अब लगा लेती हूँ पोछा। जी हाँ झाड़ू निकल गई थी, पोछा लगाना है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
रूम में पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पता क्यों? एक मतलब पोछा जो है बार बार थोड़ा सा लगाया फिर धोना, थोड़ा सा लगाया फिर धोना, क्योंकि ना अगर हम बस एक बार के पोछे में बस ये मारा और चल दिया आगे को, तो थोड़ी किरकल वगैरह रह जाती है दिन भर के पाँव मट्टी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत सोफ्ते से पोछा लगाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पोछा लगाने में शांति से ही मन लगता है और जल्दी में उड़ फूड में पोछा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। एक बात है, रोज़ रूम में पोछा लगा कर ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है ना जब घर, जब बहुत अच्छा लगता है। ये रजाई में अभी धागे रह रहे हैं, ये धागे भी कंप्लीट करने हैं, ये वाली बेडशीट मैंने बेड पर बिछाई है, बस काफ़ी हद तक मेरा पोछा लग चुका, थोड़ा सा बाहर का रह रहा था ये वाला, इसे और कंप्लीट कर देते हैं, लग गया पोछा और मेरे को फ्रिज करना है साफ़। कई दिन से सोची थी कि फ्रिज साफ़ करूँ, वैसे तो इतना गंदा नहीं हो रहा पर फिर भी मतलब मेरा मन नहीं मानता, हफ्ते में एक बार मैं इसको साफ़ ज़रूर कर देती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, जो इस पर मैंने वे डाल रखे थे, जो मंगा रखे इस पर डालने के क्या बोलते हैं उनको, मैं भूल जाती हूँ, वो भी मैंने ना अच्छे से बाहर निकाल के साफ़ कर देंगे। हाँ, वो नहीं खड़ी थी और ये बाहर खड़ी हो गई, बच्चों के वीडियो बनाने लगी है, बच्चे भाग लिए और बस अब नहीं मतलब बाहर रास्ते की बना गई थी, मौका नहीं छोड़ती मजाक मस्ती का। दिखाऊंगी बंदर अरे मेरा बच्चा मारा ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोची हूँ कि चूल्हा जला लेती हूँ और मैंने मम्मी से ले ली परमिशन कि मैं चूल्हा जला लूँ या नहीं, क्योंकि देखिए ये मम्मी का चूल्हा है, मावा भी मैंने दूसरे चूल्हे पे निकाला था, क्योंकि मेरे को है ना ये डर रहता है कहीं फूट ना जाए, और भाई अगर फूट गया गलती से या फिर बच्चे ने कायरव ने कोई तोड़ फोड़ दिया इसमें चूल्हे में, उसको इतनी समझ नहीं है, इंटियों का तो फूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फूट गया तो मैं नहीं चाहती कि बिना मतलब की बात में मतलब लड़ाई वगैरह हो। वैसे तो ये चीज़ें मायने क्यों रखती है पता, मेरे लिए वैसे ये चीज़ें मायने नहीं रखती, बन जाएगा पर मम्मी गुस्सा कर जाए तो मैं नहीं, इस वजह से चूल्हा जलाती हुई ना थोड़ी हिचकिचाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि बिना बात के लड़ाई हो जाए, तो फिर मैंने मतलब मम्मी से परमिशन ले ली कि चूल्हा जला लें या नहीं, तो अवनी ने पूछा तो अम्मा ने बोल दिया कि जला लो, है ना, बस थोड़ा सा मुझे कायरव का ही लगा रहता है क्योंकि वो है ना उसके बहुत हाथ पैर चला है कहीं, उसने एक बार पहले फोड़ दिया था तो उसका मुझे थोड़ा सा डर रहता है, इसी वजह से मैं ना जला नहीं रही थी, फिर पूछ के हम लोगों ने जला लिया और मैं लगा रही हूँ चूल्हे में जीना, तो मम्मी ने पहले ही हमसे पहले जला रखा था, शायद इसमें पानी गर्म करता, फिर मैंने साफ़ करा, साफ़ करके तब मैंने इसमें जीना लगाया, राख वगैरह उठाई मतलब सारी इसकी चूल्हे की, अभी जला रही हूँ, यहाँ पे कढ़ाई रख ली, चमचा रख लिया ला के, और यहाँ बस हम लोग चूल्हे में जीना लगा के आग जला लेते, पन्नी लाई थी मैं जला के गैस से आग जलाने के लिए। चलिए बैठ के आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, जुराब मैंने पहन नहीं रखी, चप्पल मैंने दूर निकाल दी क्योंकि खाना बनाना है, और मोजे जो है मेरे फट चुके हैं, मोजे लाने पड़ेंगे, एक जोड़ी है नहीं मेरे पास फ़िलहाल में। चट्टा लग रहा है बहुत, और अभी भी कपड़े पड़े हैं कुछ, तो देखो आप लोग देख सकते हो, धोने के रखे कुछ, तय करने के रखे, कैंपर सूखा रखा, बुरा हाल, बर्तन पड़े हैं, पहले सब्जी छोंक लो फिर बर्तन साफ करो, ये तय बनाने के कपड़े हैं, इनकी रात को बनेगी अब नहीं बनेगी, टाइम नहीं है, धोने के हैं कुछ, मशीन पर रखे, लाइट आओगी तब धुलेंगे, काम की ना पूछो, सुबह से लग रही है अभी तक तो काम बस में नहीं आया, कंधे फूल रहे आज बहुत, एक पता नहीं सर्दी की वजह से किस वजह से सीधे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, यहाँ से लेकर कंधे के जोर से यहाँ तक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मुश्किल हो मतलब मुश्किल से काम कर पा रही हूँ, दर्द कर रहा बहुत। चूल्हे में आग जल गई मतलब ये जल नहीं रही थी बिल्कुल भी, वो पन्नी बुझ गई थी, फिर मैंने ये गत्ता पड़ा था मिठाई के डब्बे का इसको जला लाई और आग जल गई बहुत अच्छे से, गैस पे गैस ही याद आती है, चूल्हे पर रख दिया कढ़ाई,
और थोड़ा सा इसमें नहीं कागज़ का जो कत्ता चला है उस वजह से उसकी कालस्सी आ गई थी, मैं इसको फूंक लगाया फिर और इस वापस इसको यहीं चूल्हे पर रख दिया है। और ये कत्ता जो है नीचे की साइड लगा देंगे हम, एक बार आग जल जाए चूल्हे में फिर नहीं बुझती, बहुत अच्छा। वैसे चूल्हे का खाना है ना गैस के खाने से सॉरी अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा मैं कायरों की वजह से नहीं जलाती दूसरा चूल्हा। दूसरा रीजन ये है कि भाई मम्मी का चूल्हा है, कभी वो कुछ बोलने लगे और मतलब या भाई ये फूट 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 जाए हमसे या कुछ नुकसान हो जाए तो मैं ना रॉड से डरती हूँ, मैं नहीं रॉड चाहती बिल्कुल भी घर में किसी भी बात को लेके कोई भी विवाद हो। तो इसी वजह से कुछ कमेंट्स इस तरह के आते कि आप है ना अपने पति के बारे में बोलते हो, देखो थोड़ा सा वो भी आपको देखते हैं। मैं कोई बुरा नहीं बोलती, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ मैंने टमाटर प्याज काट के रखे हुए थे, ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, यहीं बैठा हुआ था कायरव। थोड़ा सा इसका ये डर रहता है क्योंकि वो एक जगह छन्नी नहीं बैठता बिल्कुल भी, ये सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तेल गर्म हो गया, लहसुन प्याज मैंने डाल दी इसमें, एक मैंने हरी मिर्च भी काट रखी है, छोंक मेरा जो है अच्छे से भुन चुका है, इसमें डाल दिए मैंने टमाटर जो मैंने काट के रखा हुआ था, यहाँ टमाटर डाल दिया। और अभी सारे सूखे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, नमक धनिया हल्दी मिर्च ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। आलू मैंने काट के वॉश करके थोड़ा सा इनमें पानी डाल के इन्हीं भगोने में रख रखे थे। वैसे चूल्हा जलाने में सच में बहुत मन लगता है, मेरा मन करता है कि मैं मतलब दोनों तीनों टाइम का सॉरी खाना चूल्हे पर ही बनाऊं, बस बना नहीं पाती हूँ। तो एक तो ये हमारे महाराज बेटा जी जो है उनकी वजह से उसको संभालना इतना आसान नहीं है, बहुत परेशान करता है। कम से कम साल भर और ऐसे ही मेरे को मतलब इसको वो करना है। अभी देखो कहाँ बैठा हुआ है, तेल का ये जो जगह इसको ले रहा था फिर यहीं आ लिया मेरे पास में। बस थोड़ा सा इसका यही डर है कि ये एक जगह नहीं बैठता, चूल्हे की साइड भागता है, ये गैस के पास में भी आ जाता है, नली खींचने मर जाता है, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ना पड़ता है। हर चीज़ में इसको बचाना और बचा के रखना, सारे काम करना, परेशान हो जाती हूँ। काम से परेशान नहीं हूँ मैं, बेटे की नादानियाँ इतनी हैं, बच्चा है नादान है, इतनी समझ नहीं है, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा सब समझ आती चली जाएगी। और शाम का जो है सूरज अस्त होने लग रहा है, मतलब छिपने लग रहा है, तो यहाँ तक पहुँच चुका है, थोड़ी देर में अस्त हो जाएगा। दिन बहुत जल्दी झटपट से चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब हमारा सुबह हुई और कब शाम हो गई। दिन तो मान लीजिए निकलता दिखता है और छिपता दिखता है, सेम ऐसी चीज़ें रहती है। मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है दो दिन से, और पाला भी पड़ रहा है और ठंड कोहरा तो इतना ज़्यादा नहीं है, पाला है, पाले की वजह से सुबह सुबह काम करने में या शाम को तो हाथों पाँव में चीज़ नहीं मारती, पर जब सुबह सुबह काम करते हैं ना बहुत चीज़ मारती है हथों पाँव में। आलू की सब्ज़ी बन चुकी है मेरी और मेरे को बनानी है अभी रोटी, तो मैंने एक कट्टा कोसों के लिए डाल रखा है, आगे डाल रखा है क्योंकि यहाँ पे गिल्ला हो रहा था, मैंने दो कट्टे डाल लिए। बस मैं आटे में लगा रही थी मुक्की, और भाई और कायरव जो है गेम खेल रहे थे दोनों। आज भैया नहीं गया, आज घर पे ही था, तो मामा भांजो की चल रही है मस्ती और मैं अपना खाना बनाने कर रही हूँ तैयारी। टाइम से ही बना लूँगी खाना, मैं देखो ज़्यादा ठंड लगने लगती है और दिन भर काम करके थकी सी रहती हूँ, फिर वारी। अब मेरे भाई ऐसा नहीं है कि भाई बहन गर्म ही दे सकते, गर्म ही खाऊंगा, वो तो इतना सीधा है मेरा भाई, जैसे ही मिल जाए वैसे ही खा लेता है। एक बात मैंने देखी है, मेरे भैया जो हैं दोनों तीनों ही भाई मेरे ऐसे हैं, कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते कि भाई हमें दीदी गर्म बहना गर्म रोटी दे या हमें ये सब्जी दे, जैसा मिल जाता है वैसा ही खा लेते हैं। अच्छी बात है, ऐसे भाई भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वैसे भाई मेरा भाई ये कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता कि जी ये बना या वो बना या जी ऐसी सब्ज़ी क्यों या ऐसी रोटी क्यों या ठंडी रोटी क्यों, कह रहा है जी बना कर रख दिया कर, मुझे बहुत काम रहा दिन भर में, कायरव को भी संभालना रहा, तो बना के रख दिया कर, मैं खा लूँगा कोई बात नहीं। देखिए वरना फिर मतलब खुद को भी लगता है कि भाई मैंने अभी बनाने लगी थी, मैंने कहा चल भाई पहले रोटी गोपाल जी को जाएगी फिर तू खा ले खाना, तू भी खा ले। तो गोपाल जी को मलाई के साथ देंगे क्योंकि लहसुन प्याज तो गोपाल जी नहीं खाते। और यहाँ देखिए कायरव जरा सा अंगूठे में कुछ लग जाए, मम्मी पट्टी बंधा दे, पट्टी बंधवानी है। मैं बताती हूँ आपको इसका पट्टी बंधवाने का रीज़न क्या है, बिल्कुल सेम अपने मामा पर गया है, इसके छोटे मामा हैं जो उनको है ना, मेरे भाई को अगर जरा सी भी चोट लग जाती थी ना तो पता क्या करता था, जरा सी चोट लग गई नीरी मोटी पट्टी चढ़ा ली, ऐसे बिल्कुल अपने मामा जैसा कोई मेरा है, अपने मामा की तरह जरा सी ठसक लग जा पट्टी बंधा दे चोट लग गई, पट्टी बंधा दे चोट लग गई, बिल्कुल अपने मामा जैसा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। चाहे हाथ पे इंटी भी गिर गयो चुनक से भी।